हेलो गाइस, माय नेम इज बिकियन। आज का मैच प्रोटेक्शन की बात करूं तो आज का मैच प्रोटेक्शन होने वाला है अभी धाबी वर्सेस अजमन की मैच होने वाली है। ये मैचेस होने वाली रात के 10 PM। तो अगर आप जागे होंगे तो टीम क्रिएट करके रख लेना, क्योंकि लाइनअप के बाद आप कहीं सो न जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ ग्राउंड की बात कर लेते हैं। ग्राउंड ये है जो दुबई में होने वाली मैच है, और दुबई में ही ग्राउंड पर होने वाली है। ग्राउंड का नाम क्या है? तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में होने वाली है। टाइमिंग की तो मैंने बताता हूँ, आपको 10 PM पे मैच होने वाली है। पिच रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट पे मैं बात करूँ, पिच रिपोर्ट होने वाली है बैलेंस। और यहाँ पे बेस्ट सपोर्टेड की बात भी कर लेते हैं। बेस्ट सपोर्टेड रहेगा पेशर, जो कि पेशर रहेगा। वेदर रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। वेदर रिपोर्ट यहाँ पे होने वाला नेट एंड क्लेन, नो चांस टू रेन, कोई चांस ही नहीं है कि मैच रुक जाए। स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे इन्होंने 5 मैचेस में 3 मैच जीते हैं, जो कि हैं स्ट्रॉन्ग टीम है वो है अभी धाबी टीमें हैं और इनके 11 प्लेयर हैं। वीक टीम की भी बात कर लेते हैं। वीक टीम की बात करो यहाँ पे तो अजमन ने 5 मैचेस में यहाँ पे 2 मैचेस विन किए, बाकी 3 लॉसेस किए हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम कौन है और वीक टीम कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमरेट T20s होने वाली है, ये दुबई में ही होता है। और ये मैचेस की मैं रिपोर्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पे 11-12 प्लेयर बताऊँगा जो कि बेस्ट है। आप इसमें से एक प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो, जैसे आपको अगर लाइनअप पर वो प्लेयर नहीं खेले तो उससे, तो आप 11 प्लेयर आपको मैं बता ही रहा हूँ। तो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ विकेट कीपर लूँगा। विकेट कीपर तो अगर मैं दोनों टीम की बात करूँ तो दोनों टीम का बेस्ट विकेट कीपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल एम के आटा की बात करूँ मैं, तो इन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छे किए हैं और इनके पॉइंट्स भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट इसकी देखूँ मैं, पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 48, 19, 44, 52 और यहाँ पे 157 पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने। तो आप इसे समझ सकते हो कि अच्छा एक विकेट कीपर भी और बैटर भी है। सेकेंड विकेट कीपर की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है आर चोपड़ा यहाँ पे 50, 74, 89, 7, 61 पॉइंट्स दिए हैं। और ये बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ यहाँ पे तो ये 4 नंबर पर बैटिंग करते हैं। इससे पहले जो मैं विकेट कीपर की बात किया था, एम के आटा की बात किया था, वो 3rd नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है उसकी, वो 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं। उसके भी पॉइंट्स अच्छे हैं और इसके भी पॉइंट्स अच्छे हैं, बस वो 3 नंबर पर खेल बैटिंग करता है, ये 4 नंबर पर बैटिंग करता है। तो आप दोनों को रख सकते हो। सेकेंड बात करता हूँ मैं, अब मैं बैटर्स की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्या रखना, 2 विकेट कीपर काफ़ी इनफ है, या दोनों में से आप एक को चूज कर सकते हो। बैटिंग ऑर्डर की बात कर लेता हूँ, बैटिंग की बात करूँ तो इसमें आप 3 बैटर रख सकते हो, एक 2 टीम से रख सकते हो, एक टीम से रख सकते हो। और ये है ड्रीम इलेवन का ऐसा ही रूल्स है। आप देखे होंगे, जितने भी ड्रीम इलेवन देखे होंगे आपने, उसमें आपको 2 बैटर्स एक टीम के देखे होंगे और 1 बैटर एक टीम से होते हैं। तो इसे भी फोकस करो यार, नोटिस करो, ऑब्जर्व करो कि कैसे टीम बनता है। इसमें से बात कर लेते हैं, फर्स्ट बैटर्स की बात करता हूँ मैं, ए टंडन की बात कर लेता हूँ। इन्होंने रिसेंटली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं है, बट पिछली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। इसकी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, रिसेंटली मैं 17, 17, 2, 52, 44 और 21 पॉइंट्स दिए हैं। बट ये मैं बताऊँ यहाँ पे 5 नंबर पर बैटिंग करते हैं, आप इसे चूज कर सकते हो, बेस्ट है आपके लिए। सेकेंड बैटर्स की बात कर लेता हूँ, जो कि 2 नंबर पर बैटिंग करता है। यहाँ पे यूरहिम है, जो कि बैटिंग अच्छे तो कर लेते हैं, बट यहाँ पे रिसेंटली परफॉर्मेंस उसकी भी काफ़ी लूज है और वीक है। पॉइंट्स की बात कर ले तो यहाँ पे 4, 54, 10, 51 और 70 पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने। ज़्यादा अच्छा नहीं दिए, बट इट्स ए गुड इस परफॉर्मेंस पे, क्योंकि बैलेंस पीछे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। नंबर 3rd का बैटर्स देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जो 8 नंबर बैटिंग करता है। और ये प्लस पॉइंट यहाँ पे देगा क्योंकि ये एक ओवर भी डालता है, फेंकता है भाई। तो ओ हुसैन एस करके एक बैटर से, जहाँ पे आपको एक बॉलर भी फेंकता है। और ये बैटिंग पॉइंट देख लो तो इसके काफ़ी अच्छे हैं, बट यहाँ पे 8 नंबर पे बैटिंग करता है भाई, थोड़ा सा डिफल्ट है। 37 पॉइंट्स हैं इनके, 23 पॉइंट है, 15, 4 और 12 पॉइंट्स हैं इनके। तो आप इसे चूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 बैटर्स बताए हैं। 3 बैटर्स कौन कौन सा है? ए टंडोन है, ए यूरिम है, ओ हुसैन है, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आप इसे चूज कर सकते हो ग्रैंड लीग के लिए और हेड टू हेड के लिए भी। ऑलराउंडर की बात कर लेते हैं, अब आ गई ऑलराउंडर की बारी। तो ऑलराउंडर यहाँ पे आपको 3 चूज करने हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 बेस्ट हैं आपके लिए, 3 अच्छे परफॉर्मेंस भी करते हैं और बॉलिंग भी फेंकता अच्छा। फर्स्ट ऑलराउंडर की बात कर लेता हूँ मैं, डब्लू खान, आई थिंक वसीम खान, राइट गेस दिमाग। वसीम खान की बात कर लो तो यहाँ पे रिसेंटली पॉइंट्स की बात कर लो तो 52, 58, 42, 98 और रिसेंटली
स्टार्टिंग के पॉइंट कर लो तो 10, 20, 52। तो अभी रिसेंटली परफॉर्मेंस की बात करो तो काफ़ी अच्छा विकेट्स ले रहे हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं, तो आप इसे चूज कर सकते हो डब्लू खान। और साथ ही साथ इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये 3 ओवर भी बॉलिंग करते हैं, बाकी ऑलराउंडर के बारे में मैं बताऊँ तो 2 ओवर 4 ओवर करते हैं, बट ये 3 ओवर करते हैं फिक्स इनका। सेकेंड ऑलराउंडर की बात कर लेता हूँ तो ए बीड है, ए बीड करके इसका नाम है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं रिसेंटली मैचेस में और एवरी मैचेस में इनके लिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं और हर मैच में ये ड्रीम टीम में आया है, तो इससे तो चूज करना ही है भाई। ए बीड की रिसेंटली पॉइंट्स की बात करूँ मैं तो 57, 56, 91, 30, 42 और ये 2 ओवर करते हैं, बट एक माइनस पॉइंट ये भी है, बैटिंग तो अच्छा कर लेता है, बॉलिंग भी 2 ओवर करते हैं, बट 2 ओवर में इन्होंने विकेट तो लेते ही है भाई, तो अब 2 ओवर है, ज़्यादा इनोसेंट होने की बात नहीं है, 2 ओवर फेंकता तो ऐसा ही। तीसरे ऑलराउंडर की बात मैं कर लेता हूँ, तीसरे ऑलराउंडर की बात एम बसीर की बात करूँ रिसेंटली पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ, एम बसीर की रिसेंटली पॉइंट्स की बात करूँ 35, 74, 41, 7 एंड 52 है और ये बंदा 4 ओवर फेंकता है, मतलब समझ लो 4 ओवर में 1-2 विकेट तो ले ही लेगा भाई, ऑब्वियसली पैसर्स बेस्ट सपोर्टेड पैसर तो पैसर्स ले ही लेगा। अब हम बॉलिंग पिच की बात कर लेते हैं, सॉरी बॉलर की बात कर लेते हैं, बॉलर की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 4 बॉलर रखने हैं आपने चूज करने, जबकि मैंने बताया था इसमें मैंने 12 प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आपसे एक ड्रॉप कर सकते हो एज यू विश। बॉलर की फर्स्ट बॉलर की बात करूँ तो एम मुख्तर की बात कर लेता हूँ, एम मुख्तर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपने इन्होंने रिसेंटली मैचेस में लास्ट मैच हुआ था 126 पॉइंट्स लिए हैं और इन्होंने 2 से 3 विकेट लिए, उन्होंने बैटिंग अच्छा कर लेते हैं, बैटिंग ऑर्डर की बात करो तो 11 नंबर पर बैटिंग करते हैं, बट इनको बैटिंग तो मुश्किल है मिलना, बट बॉलिंग हमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। 31 इसलिए रिसेंटली मैचेस में दे रखें, ये 4 ओवर फेंकता है ना कि 3 ओवर, 4 ओवर फेंकता है। सेकेंड बॉलर की बात करूँ तो सकीम मंसद की बात कर लूँ तो ये इनकी रिसेंटली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, 173 पॉइंट दिए इन्होंने, 66, 29 यानी जितने भी इन्होंने मैच खेले हैं उन्होंने 1 से लेकर 3 विकेट तक इन्होंने विकेट लिए और यहाँ तक बात करूँ 4 ओवर की भी फेंकते हैं। सेकेंड बॉलर की बात कर लेता हूँ एंड थर्ड बॉलर की भी बात कर लेता हूँ तो शाह फैजल ने इसकी पॉइंट्स रिसेंटली पॉइंट्स की बात कर लेते हैं हम, 273, 83 और 52, 2 और 39 पॉइंट्स दिए हैं, ये भी 4 ओवर फेंकते हैं। एंड लास्ट बॉलर की बात कर लेता हूँ नॉट द लिस्ट जो कि 11 नंबर पर बैटिंग करते हैं, बट यहाँ पर 11 नंबर पर बैटिंग तो बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पर बॉलिंग 4 ओवर करके विकेट तो ले ही सकता है। इनकी रिसेंटली पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ तो 18, 62, 62 और 4 एंड 60 तो ये विकेट ला के आपको दे सकते हैं, तो आप इसे चूज कर सकते हो। तो मैंने अगर समराइज करूँ टोटल तो मैंने इस मैच में 12 प्लेयर्स को रखा है, 12 प्लेयर्स ऐसे रखे हैं जिसमें से आप एक को ड्रॉप कर सकते हो, अब वो आप डिसाइड करो किसको ड्रॉप करना, बाकी तो मुझे 12 प्लेयर ही सही लग रहे, बट मैंने अगर मुझे मेरी अपोनेंट में मानूँ तो मैं इसमें से एस अहमद को ड्रॉप कर सकता हूँ या तो ए बीट को कर सकता हूँ, क्योंकि भाई इनकी परफॉर्मेंस अच्छे है, बट मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप इसमें से एक विकेट कीपर को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी मैं समराइज करता हूँ इन वीडियो को, जो मैंने टीम बनाए एक तो ये टीम हो गया, 2 टीम बनाई इस मैच मैंने इस वीडियो में, एक ये टीम हो गया सेकेंड टीम, एक ये टीम हो गया, 2 टीम मैंने बनाए, बाकी आप इन दोनों को चूज कर सकते हो, दोनों में से एक चूज करके आप रख सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट करके, बाकी ये 12 टीमें आपके लिए कैसे लगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि आप टीम बना सकते हो, अगर बनाना है तो बना सकते हो, इसमें से काफ़ी अच्छे हैं और लॉजिकल टीम मैंने बताया है और इसमें से 12 प्लेयर में से एक टीम आप ड्रॉप कर सकते हो, एक प्लेयर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही मैचेस की रिपोर्ट देखने के लिए हमें फॉलो भी कर सकते हो लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, और ऐसे वीडियो देखने के लिए ऐसी नोटिफिकेशन जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दे देंगे, बाकी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के साथ।